নমস্কার আমার নাম মোহাম্মদ মহাসিন আলী আমি মালদা জেলা থেকে এসেছি আমার পায়ে মানে এ হওয়ার কারণে আমি তো ব্যাঙ্গালুরে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করি ওখানে ক্যান্সারের অসুখ ধরা পড়েছে তারপরে ওখান থেকে আমি কলকাতায় আসলাম কলকাতায় এসে চন্দ্রকা স্যারকে দেখালাম দেখে এখন আমি খুব ভালো আছি আর কি এক বছর আমার ট্রিটমেন্ট চলেছে তারপরে খুব সুস্থ আছি আমি তখন যে হাঁটাচলা করতে পারতাম না এখন হাঁটাচলা করতে পারছি পাটাতে পুরো শক্তি পেয়ে গেছি শরীরে পুরো শক্তি ঘুরে গেছে আমার খুব সুস্থ আছে আমার তো মনে হচ্ছে যে আমি নাইনটি পারসেন্ট মানে ঠিক হয়ে গেছি আর ডাক্তারবাবুর যে ব্যবহার ডাক্তারবাবু যা এ অবদান তাতে আমি খুব খুশি উনি আমাকে বাড়িতে থাকলেও খবর নিতেন ফোন করে হসপিটালের তরফ থেকে ম্যাডামরাও খবর নিতেন কী অবস্থায় আছে আমি খুব এই নারায়ণ স্পেশালিটি হসপিটালের ট্রিটমেন্টে খুব মানে খুশি ডাক্তারবাবুর তো ব্যবহার অমায়িক ব্যবহার এবং স্টাফদেরও যতগুলো ম্যাডাম স্টাফ নার্স এই আছে সবগুলোর সুন্দর ব্যবহার কোনো রকমের কোনো জায়গায় যাচ ফাঁচ করতে গিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়ে কোনো রকমের অসুবিধা হয়নি আজ আজ এক মেয়েরা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পেশেন্টস বল এমডি মহাসিন আলী इज़ अराउंड सिक्सटी ईयर्स जेंटलमैन ये आ थे डेढ़ साल पहले अनफॉर्चुनेटली ये जब आ थे इनको फोर्थ स्टेज किडनी कैंसर पकड़ में आया था फोर्थ स्टेज इसीलिए कि जो कैंसर था वो किडनी में नहीं रह के वो लंग्स में स्प्रेड हो गया था और बोन्स में स्प्रेड हो गया था इतना हड्डी में स्प्रेड हो गया था कि उनका जो लेग है वो पैर का बोन में वो स्प्रेड हो के पैर टूट के फ्रैक्चर हो गया था और वो चल नहीं पाते थे ये हालत में वो हमारे पास आए थे तो हम ये किडनी कैंसर जो है इसको हम रिस्क स्टैटिफाई करते हैं कि ये गुड रिस्क है या बीच वाला इंटरमीडिएट रिस्क है या सबसे ख़राब पोर रिस्क है अनफॉर्चुनेटली महासिन अली पोर रिस्क किडनी कैंसर डायगनोज हुए थे तो हम सारा जांच करने के बाद हमने इनको एक डबल इम्यूनोथेरापी जो टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट इम्यूनोथेरेपी मॉलिक्यूल्स है उसको हमने दिया तो इनको पहला इंजेक्शन मिलते ही इनका जो बोन का हीलिंग हो या लंग में जो स्प्रेड हुआ था ये जो हीलिंग है ये इतना तेज़ी से हुआ कि अभी आसपास डेढ़ साल होने लगा है हमने इनका रिपीटेड सीटी स्कैन किया है लास्ट सीटी स्कैन हमने जो एक हफ्ते पहले किए इसमें कोई कैंसर नहीं है हम बोलते हैं कंप्लीट रिस्पॉन्स तो ये जो पुअर रिस्क किडनी कैंसर है इसका हम सर्वाइवल बताते हैं छः से नौ महीना जस्ट सिक्स टू नाइन मंथ्स बट अली इज़ अ लाइव एग्जाम्पल वेर इम्यूनोथेरेपी द टू अ ड्यूअल इम्यूनोथेरेपी हैज़ वर्कड सो वेल दट नाउ इट्स ऑलमोस्ट वन एंड हाफ ईयर्स इनका शरीर में कोई बीमारी नहीं है इतना ही नहीं इनका जो पैर में जो कैंसर स्प्रेड होके टूट गया था वो भी के वो भी ऑलमोस्ट हील होने लगे किडनी कैंसर अलग कैंसर से डिफरेंट है दो पेशेंट में किडनी कैंसर दोनों का स्टेज और हो सकता है बट उनका बिहेवियर उसका स्वभाव अलग हो सकता है एक पेशेंट में ये हुआ कि किडनी में है बोन में है और इनमें कभी बढ़ ही नहीं रहा मतलब अस्ते-अस्ते, धीमी तो गति से बढ़ना इनका शायद तीन साल चार साल पाँच साल इलाज का ज़रूरत ही नहीं पड़े बिना इलाज पे पेशेंट अच्छे रहे और एक टाइप ऑफ किडनी कैंसर है जैसे महासिन अली का है जिसमें बीमारी महीने महीने तेज़ी से फैलता रहता है आज लंग में गया कल बो बोन में गया उसके बाद ब्रेन में गया सो so, एक आदमी में धीमी गति से बढ़ना और एक आदमी में तेज़ी से बढ़ना इसीलिए किडनी कैंसर का इलाज करने के पहले हमको रिस्क स्ट्रेटिफाई करना बहुत ज़रूरी है एक है गुड रिस्क जो धीमी से बढ़ता है और एक पूर रिस्क जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो रिस्क स्टैटिफाई करने के बाद हम इलाज करना चाहिए दूसरा यूजली हम कैंसर पेशेंट्स जो फोर्थ स्टेज होते हैं जैसे ले, लेंगे आप ब्रेस्ट कैंसर हो गया या लंग कैंसर हो गया जो कैंसर अलग ऑर्गन में स्प्रेड होता है उसको बोलते हैं फोर्थ स्टेज फोर्थ स्टेज कैंसर पेशेंट्स में हम यूजअली सर्जरी नहीं करते हैं जैसे ब्रेस्ट या लंग कैंसर हो गया और स्प्रेड हो गया उसके बाद हम लंग को ऑपरेट करके नहीं निकालते हैं या ब्रेस्ट को नहीं निकालते हैं बट किडनी कैंसर एक यूनिक बीमारी है जिधर किडनी कैंसर स्प्रेड होने के बावजूद भी हम किडनी को ऑपरेट कर सकते हैं एस्पेशली इन गुडरिस पेशेंट्स और तीसरा किडनी कैंसर अलग कैंसर से इसीलिए डिफरेंट है कि ये एक कीमोथेरेपी या रेडिएशन से रेजिस्टेंट है आप कीमो देंगे या रेडिएशन देंगे इससे किडनी कैंसर नहीं मिटता है क्योंकि हम जानते ही हैं किडनी का क्या फंक्शन है किडनी का ये फंक्शन है कि हमारा सार का सारा शरीर का जो खून है वो उसके अंदर जाके फिल्टर होता है और वो पेशाब बनता है तो किडनी एक ऐसा ऑर्गन ऑर्गन है कि हाईएस्ट ब्लड सप्लाई मिलता है इट इज़ एन ऑर्गन विच हैज़ अ लॉट ऑफ ब्लड सप्लाई इट्स अ हाईली वैस्कुलर ट्यूमर तो इसीलिए किडनी कैंसर को रोकने के लिए या किडनी कैंसर हुआ है तो उसको मिटाने के लिए ऐसे दवाई देना है जो किडनी कैंसर का ब्लड सप्लाई कम कर सके इसको बोलते हैं एंटी एंजियोजेनिक थेरेपी ये टैबलेट का माध्यम से मिलता है बढ़िया रेस्पॉन्स होता है तो किडनी कैंसर का इलाज कीमो या रेडिएशन से नहीं होता किडनी कैंसर का जो ब्लड सप्लाई है इसको रोकने से हम किडनी कैंसर को रोक सकते हैं कम कर सकते हैं और दूसरा कुछ इम्यूनोथेरेपी <coughs> के बारे में मैंने जस्ट बताया ज़रूर ज़रूर किडनी कैंसर को कम करने के लिए या मिटाने के लिए हमारा शरीर का इम्यूनिटी इम्प्रूव करने से हमारा इम्यूनिटी खुद वो किडनी कैंसर के अगेंस्ट लड़ेगा जबकि हम ख़त्म कर सकते हैं सो so, हम एंटी एंजियोजेनिक थेरेपी एंड इम्यूनोथेरापी ये दो ट्रीटमेंट यूज़ करके हम किडनी कैंसर को अच्छे से काबू में ले सकते हैं एक टाइम था इधर किडनी कैंसर पेशेंट्स छः से नौ महीने ही आयु था आजकल हम कॉन्फिडेंटली uh, बोल सकते हैं कि दस में पाँच से छः मरीज आराम से पाँच साल क्रॉस कर सकते हैं विथ एंटी एंजियोजेनिक एंड इम्यूनोथेरापी हमारे सामने आज मिस्टर मोहसिन अली है जो सक्सेसफुली वन एंड हाफ़ ईयर्स ऑफ इम्यूनोथेरेपी किए हैं आसपास बीमारी uh, इनका ख़त्म हो चुका है और हम सीरियल स्कैन करके देखते रहेंगे कि ये कैसे रहे और डेफिनेटली किडनी कैंसर इतना अच्छा इलाज के बाद एक लॉन्ग टर्म सर्वाइवर ग्रुप में आता है जो बीमारी में सर्वाइवल आयु कुछ महीनों थे आजकल हम बात करते हैं कि पाँच साल तक कितना परसेंट लोग जीते हैं सो दिस रियल सक्सेस स्टोरी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ एंटी एंड एंटीम्यूनोथेरापी मेरा कुछ ही बात सुनने के लिए सबको नमस्कार थैंक यू